अगली खबर बल्लभगढ़ से। बल्लभगढ़ की त्रिखा कॉलोनी के लोग सड़क पर सीवर के गंदे पानी के ओवरफ्लो व जमाव के कारण नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीती 18 तारीख से यह समस्या बनी हुई है और कई बार संबंधित विभाग में शिकायत करने के बावजूद यह समस्या ऐसे ही बनी हुई है। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर लोगों का और आने जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वहीं बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है। उन्होंने कहा कि चुनाव में नेता विकास के दावों को लेकर बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वह इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट नहीं डालेंगे। नारायण जी, पानी भरा हुआ कब से सुविधा का, कब से? 10 दिन हो गए, पानी बहुत परेशानी ज्यादा हो रही है, बदबू आ रही है, गड्ढे में पानी भरा पड़ा है, साइकिल बारी गिर रही, मोटरसाइकिल सब गिर। किस चीज का पानी भरा हुआ है? ये वाका है, ये गटर का पानी है, लेटरिंग का पानी है, सीवर का पानी है, सीवर का पानी है ये। तो किसी के इसकी शिकायत दी आपने किसी को? अब मीडिया बार परसों आए थे, नहीं प्रशासन को किसी को शिकायत दी? ओके, बार के आए, फिर वहाँ से क्या कोई कुछ सुनवाई ना कर रहे हो? आपका क्या है, वैसे भी अभी बीजेपी यहाँ से वो क्या नाम है इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, हम ना जाए किसी वोट से आ रहे हैं, कोई बात ही हुई है, कोई भी हो चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हम दुखी क्यों, हम दुखी है इससे, हम जो है इसीलिए परेशान है हम इससे। हम अब की बार भी इलेक्शन में बीजेपी की जीत हुई थी, बहुत अतिया था क्या रे बारे में देवर वो नहीं तो क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सोनिया है। सोनिया जी, पानी भरा हुआ है यहाँ पे, कहाँ रहते हो आप? मैं तो यहीं पास में ही रहती हूँ। ये पानी भरा हुआ है तो कितनी दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है भैया, ये गटर का पानी है, इससे 50 तरह की बीमारियाँ पैदा होती हैं, बच्चों का आना जाना बंद है, स्कूल की बस भी आती है, हम सब्जी भाजी तरकारी लेने भी जाते हैं, बताइए कैसे करें, नहीं निकला जाता है। तो कब से हुई पड़ी है इसको? तो जी देखिए 15-20 दिन तो मुझे हो गए देखे देखे, और उससे पहले भी हो तो मुझे पता नहीं, मेरा अब हुआ है आना जाना। तो कंप्लेंट तो इसकी होनी चाहिए, हाँ जी कंप्लेंट दी हुई है और बार बार इसकी कंप्लेंट जाएगी तभी सुनवाई होगी, एक बार में तो होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई मतलब कुछ होता नहीं, उठते नहीं जल्दी से, सफाई कर्मचारी भी नहीं आते, गटर भरे पड़े हैं तभी ये पानी लीक हो रहा है, निकल रहा है। एक तरह मोदी कहते हैं स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, जी कहे का स्वच्छ भारत कहे का स्वच्छ अभियान, यहाँ तो कुछ भी कोई भी अभियान नहीं चल रहा है, अब देख सकते हैं हालत कितनी गंभीर कितनी बुरी हो रखी है और गंभीर से गंभीर बीमारियां पैदा हो सकती हैं। ये क्या नाम है आपका? ममता जी, क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे, हमें परेशानी इतनी हो रही है, बदबू लग रही है सबसे ज्यादा, आदमी मरेगा नहीं तो क्या होगा बताए? ये मोदी कई 3-4 दिन हो गए रोज ही ना कह रहे, तो बोले शिकायत करिए तो बोले यहाँ नहीं सही होगा, अभी बाद में देखेंगे। अच्छा, लोग परेशान हो रहे, देखो गाड़ी चल रही है ऊपर, परेशानी हो रही है, रास्ता नहीं निकल रहा, हम काम पे जा रहे, काम वाले परेशान हो रहे, ड्यूटी पे कैसे जाए बच्चे लोग? नाम बिन्नारायण सिंह। कौन सी गली नंबर है? कौन ये गली नंबर 4F जी, अब मकान नंबर 26। कब से भरा हुआ है यहाँ पर? ये आज ये भरा है, कम से कम सोमवार से भरा हुआ है, सोमवार से 18 तारीख से भरा हुआ है ये। अच्छा, तो कोई शिकायत या कुछ की है? कुछ शिकायत करके आए सामने, यहाँ ऑफिस में कोई शिकायत नहीं आ रही है, कुछ समाधान नहीं हो रहा, कोई समाधान नहीं हो रहा।